नमस्कार साथियों, आज मैं गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका का एक बहुचर्चित पद लेकर आया हूं। हालांकि कई लोगों ने मांगा है, इसको बहुत दिन से कह रहे थे। अच्छा, मैं अपने तमाम YouTube के और Facebook के दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं। भाई, मैं सबके नाम नहीं ले पाता, अब या तो पहले लिख के रखे जाए नाम और फिर नाम की सूची प्रस्तुत की जाए। कई बार श्री कुलदीप शर्मा, अनुज साहू, श्री राकेश आरके शर्मा, अब एक नाम कई बार आ रहा है, बार बार आरके शर्मा सर का। अब मेरे परिचित एक आरके शर्मा हमारे प्राचार्य रहे हैं, एक आरके शर्मा हमारे बनबसा में केंद्रीय विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक थे, एक आरके शर्मा हमारे TGT हिंदी हैं। अब कौन सज्जन शर्मा जी हैं, उनके तमाम विद्यार्थियों के संदेश आने लगे। एक आरओ कौशल, कुछ लोग तो अपने नाम SPY ग्रेटर नोएडा, कुछ लोग कह देते हैं इस वाले पाठ को पढ़ा दीजिए, तमाम बातें आ रही हैं, तो कृपया स्पष्ट किया करें। मैं एक ही निवेदन करूंगा, जैसे किसी ने कह दिया मुझे साधु महिमा पढ़ना है, साधु महिमा क्या है, गद्य है, पद्य है, इस तरह की तमाम रजनी जी हैं, अमित दुबे हैं, नीरज जायसवाल हैं, प्रकाश पंत हैं, ये हमारे निरंतर दर्शक हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए बात करता हूं विनय पत्रिका की। विनय पत्रिका का ये पद, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजियो कंत व्रज बनितन भे मुद मंगलकारी, नाते नेह राम के मनियत सुहद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहां आंख जही फूटे बहुतक कहों कहां लो, तुलसी सो सब भांति परम हित, अरे पूज्य प्राण ते प्यारो अजासो होए स्नेह राम पद ए तो मतो हमारो। साथियों, इसके पीछे कहानी है, पद के पीछे कहा जाता है, वो कहानी ये है, मीराबाई ने अपनी पारिवारिक समस्याओं से उलझकर, समस्या एक ही थी, राजघराने की थी, घर वाले नहीं चाहते थे कि मीरा कृष्ण भक्ति में इतनी तल्लीन हो जाए कि दिन रात की चिंता न करे, मंदिरों में जाकर नृत्य करे, भजन करे, रात में 2 बजे उठ करके कृष्ण का गुणगान करने लगे, पद रचना करने लगे। और मीरा को मारने की कोशिश भी की गई, उनसे एक ही शर्त थी, या तो राजमहल छोड़ दो या कृष्ण को छोड़ दो। बड़ी परेशान हो गई मीराबाई। अंत में मीराबाई ने हार कर तुलसी को पत्र लिखा था और लिखा था, हे तुलसीदास जी, आप हमारे गुरु हैं, माता पिता हैं, एक सज्जन व्यक्ति हैं, मैं एक प्रार्थना करना चाहती हूँ, घर के लोग परेशान कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे छोड़ दूँ कन्हैया को जिनको बचपन से देखा है, बचपन से अपनाया है, बचपन से सर्वस्व माना है। तुलसी के सामने भी एक बड़ी विकट समस्या आ गई, अगर कह दें परिवार को छोड़ दो विरोध हो जाए उस समय, और कह दें राम को छोड़ दो, भगवान को छोड़ दो, भक्ति छोड़ दो, तो दिक्कत। एक तरफ कुआं था, एक तरफ खाई था। जो समझदार लोग होते हैं ना, वो बड़ी बुद्धिमानी से काम लेते हैं, वो अपनी बात भी कह देते हैं और दूसरे की निंदा भी नहीं करते। यही होता है, आजकल के राजनीतिज्ञ नहीं ऐसे हैं, आज तो उनका तो एक ही काम है, दूसरे दल की विपक्ष कितनी बुराई करते हैं, अरे अपनी बात अच्छाई कहिए केवल। तुलसी ने वही किया, एक संदेश दिया कि हमारी कितनी अच्छाइयां हैं, हम उनकी चर्चा केवल करें, हम निंदा अपने आप हो जाएगी दूसरे की, क्यों खुलकर के किसी की निंदा की जाए, क्यों बुराई की जाए। तुलसी कहते हैं, तुलसी ने पत्र का उत्तर नहीं दिया, एक पद बनाकर भेज दिया, उनकी कविता में आया था, कविता बना के भेज दी, और ये नहीं कहा कि क्या करो क्या ना करो, और सब कुछ कह दिया। देखें आप, कहते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, अरे जिसको राम और सीता प्यारे नहीं हैं वो कृष्ण की भक्त हैं। देखिए, हर आदमी अपना पक्ष रखता है, बोले जाके प्रिय न राम वैदेही, अरे जिसको राम और वैदेही, वैदेही सीता जी का पर्यायवाची है, जनक जी को विदेह राज कहा जाता था, इसलिए विदेह राज की पुत्री वैदेही, जैसे जनक की जानकी, द्रुपद की द्रौपदी, ये परंपरा हमारे यहाँ की नहीं है। तो जाके प्रिय न राम, जिसको राम और सीता प्रिय नहीं है, भगवान राम जिनके
आराध्य नहीं है, जिनको जो भगवान राम और सीता को नहीं मानते, जय सिया राम नहीं कहते, उनको क्या करिए? बोले तजिए ताही। ये तो जन सामान्य की बात हो गई, उन्होंने कृष्ण के बारे में पूछा था, बात वही कह रहे हैं। बोले तजिए ताही, अरे उसको छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दो? हमारे मित्र हो हमारा, कहते बोले कोटि बैरी सम, अरे करोड़ों दुश्मनों के समान। एक दुश्मन तो खतरनाक होता है, करोड़ों शत्रुओं के समान है वो। कौन? जिसको राम और सीता प्रिय नहीं है, जो नास्तिक है। तजिए ताही कोटि बैरी सम, एक शर्त लगा दी। बोले यद्यपि, साथियों यद्यपि होगा, क्योंकि ब्रजभाषा में या का जा हो जाता है। यशोदा नहीं कहते, जसोदा कहते हैं। युगल किशोर नहीं लिखते, जुगल किशोर लिखते हैं। और ये ब्रजभाषा की रचना है उनकी, हालांकि अवधि में भी चलता है। तो ब्रजभाषा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, बार बार बताता हूँ। कुछ विद्यार्थी हमारे ऐसे होते हैं जो केवल यही देख रहे हैं, उसके पहले उन्होंने देखा नहीं। ब्रजभाषा है, और जो शैली है, छंद जिसको कहते हैं, पद शैली है ये, ये सवैया या कवित्त नहीं है, पद है उनका। तो जाके प्रिय राम वैदेही, अरे तजिए ताही कोटि बैरी सम। बोले यद्यपि, यद्यपि परम स्नेही, वो परम प्रेमी हो, बहुत निकट हो, निकटस्थ आपका हो, बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर राम और सीता उसके प्यारे नहीं है तो उसका साथ छोड़ दीजिए। कहीं मीरा पूछती कि क्या करें, मान लो भाई परम स्नेही न होकर कोई घर का बैठा हो तो क्या किया जाए? उसके बारे में बड़ा अच्छा बताया कि कितना कठिन हो, कुछ भी हो। बोले क्या किसी ने छोड़ा है? तुलसी उसका भी उत्तर देते हैं, देख लो, दो चार उदाहरण दे रहा हूं, सोदाहरण व्याख्या जैसे होती है ना हमारे यहां। तो बोले अरे तजो पिता प्रहलाद, उदाहरण देख लो, अरे पिता ने तो अपने प्रहलाद ने तो अपने पिता को छोड़ दिया था, हिरण्यकश्यप को, माने पिता से बड़ा संबंध और क्या होगा? तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो सबसे बड़ा पूज्य पिता होता है, माता पिता प्रिय होती है। मगर अगर माँ भी ऐसी है, पिता भी ऐसा है कि जो भगवान से प्रेम नहीं करता, तजो पिता प्रहलाद, तो प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को छोड़ दिया था, उनकी बात नहीं माननी थी। अंत में हिरण्यकश्यप की मृत्यु होती है, लेकिन उनकी बात न मानने का मतलब वो भगवान का भक्त बना रहा, पिता का विरोध करता रहा। तजो पिता प्रहलाद, कहानी पता है आपको, मरवाने तक की व्यवस्था की गई। अरे बोले विभीषण बंधु, अरे पिता को छोड़ो, अगर भाई सगा है और बाई चांस उसे राम और सीता का प्रेम नहीं है, भगवान का भक्त नहीं है, तो उसको भी छोड़ दो। बोले किसी ने छोड़ा क्या? उत्तर दे रहे हैं विभीषण बंधु, रावण तीन भाई थे ना, विशेष रूप से रावण, स्वयं दशानन था, विभीषण थे, कुंभकर्ण थे। विभीषण भगवान का भक्त था, सब कुछ किया, यहां तक कि विभीषण को रावण ने लात भी मारी थी। अस कही की नेसी चरण प्रहारा, चरण का प्रहार किया, अनुज गहे पद बारही बारा, तो पैर पकड़ लिए। पता है उसने क्या कहा? तुम पितु सरिस, आप पिता के समान हैं, बड़े भाई हैं, तुम पितु सरिस, अरे भले ही मुही मारा, पर मैं तो एक ही बात कहूंगा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा, हे नाथ आपका राम को भजिए, तभी आपका हित होगा। अंत में नहीं माना तो भीषण ने रावण का साथ छोड़कर राम दरबार में शामिल हो गए थे, उस कहानी में नहीं जाऊंगा। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, और बोले भरत महतारी, देख लीजिए पिता भी हो गए, माँ भी अगर ऐसी है तो। अरे जब भरत जी लौट कर आए दशरथ की मृत्यु के बाद, उन्हें खबर मिली, और जब उनको ये पता चला कि राम को वनवास दिलाने वाली हमारी माँ है, पता है भरत ही बिसरे पितु मरण, अरे सुनत राम बन गौन, राम के वन की गमन की बात सुनते ही तो पिता की मृत्यु की बात भूल गए और कैकेयी पर बिगड़ गए। यहां तक कह दिया कि बर मांगत मन भई नहीं पीड़ा, और गरी न जीव मुंह परे न कीड़ा, अरे तुम्हारे मुंह कीड़े नहीं पड़ गए। जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए, उस दिन से भरत जी ने अपनी माँ को माँ कहना छोड़ दिया था। यहां तक 14 वर्षों तक अपनी माँ के कमरे में नहीं गए, कक्ष में नहीं गए, महल में नहीं गए। जब भगवान आए 14 साल के बाद लौटकर, और जब भगवान सबसे पहले कैकेयी के यहां चले गए, प्रभु जाना कैकेयी लजानी, और प्रथम तासुग्रह गए भवानी, तब जबरदस्ती लिवा के गए थे, तो भरत ने तो अपनी माँ को माँ कहना बंद कर दिया था, इसलिए कि उन्होंने राम का विरोध किया था, राम को बन भेजा था। तीन उदाहरण दिए, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, अरे भरत महतारी, और बलि गुरु तजो, एक और कहानी आती है। राजा बाली ने अपने गुरु, राजा बाली कौन थे पता है? पढ़ा होगा, बड़े दानी थे,
उनका एक नियम था, भगवान राक्षस कुल का राजा था, राक्षसों के राजा थे, राक्षस वंश के थे, लेकिन एक विशेषता थी कि राक्षसों के वंश में भी तो प्रहलाद और बलि जैसे लोग होते हैं। व्यक्ति व्यक्ति की बात होती है, भगवान का भक्त था, विष्णु का भक्त था राजा बलि, और उनका एक बहुत बड़े दानी थे, और एक उनका नियम था कि दरवाजे पर जो आएगा, जो कुछ मांगेगा, खाली हाथ नहीं जाएगा, उसकी इच्छा पूरी करेंगे। एक बार भगवान ने परीक्षा लेने के लिए 52 अंगुल का शरीर, 52 शरीर बना के आ गए, 52 का अवतार है हुआ है, और जब आए भिक्षा मांगने, तब दैत्यों के जो गुरु थे उस परिवार के, शुक्राचार्य जी, उन्होंने आकर राजा को बताया, बाली को, अरे ये भिखारी कोई नहीं है, ये मांगने वाला नहीं है, ये भगवान आए हैं, इनको भूल कर मत देना, ये तुमको छल लेंगे, तमाम बातें हमारे कुल के विरोधी हैं, हम ब्राह्मण लोग या हम राक्षस लोग देवताओं को नहीं मानते। मगर बाली ने कहा नहीं, अपने गुरु को परित्याग नहीं, कोई बात नहीं मानूंगा, और भगवान की आज्ञा मानकर, भगवान को पूछकर, आप क्या चाहते हैं, भगवान ने 3 पग जमीन मांगी थी, लंबा, तो कहने का मतलब ये, अपने गुरु का परित्याग कर दिया था। किसने? राजा बलि ने। बलि गुरु तजो पात और कंत ब्रजपनि तन, कंत एक संबंध और बड़ा बढ़िया रह गया। अरे भाई के साथ भाई बंधु बहन हो गए, माता पिता हो गए, उन्हें चाचा चाची सब आ गए, फिर बचा ही कौन, फिर गुरु हो गए, एक और बच्चा, पति पत्नी का रिश्ता, कहते कंत ब्रज बनितन। अरे जो ब्रज की बनिता, बनिता कहते हैं स्त्री को, ब्रज की स्त्रियां गोपिकाओं ने अपने पतियों का साथ छोड़ दिया था। अरे साकेत में तो गुप्त ने लिखा है विध्रता नाम की नायिका को, जिसके पति ने उसे कृष्ण के पास जाने को मना कर दिया था। पत्थर बनी थी, बाद में बहुत लंबी कहानी है, तो कहने का आशय उसकी मृत्यु तक हो जाती है, पति का साथ छोड़ दिया था। कंत ब्रज बनितन, कृष्ण की एक बांसुरी की आवाज में वो भागती थी, लोक लज्जा की परवाह नहीं करती थी। कंत ब्रज बनितन कहते हैं, ये अपने इतने उदाहरण दिए, अरे कोई बदनाम हुआ? कोई नहीं बदनाम हुआ ना। अरे भाई प्रहलाद, विभीषण, भरत जी, बाली राजा और ब्रज की गोपिकाएं, बोले भे मुद मंगलकारी, अरे ये सब के सब प्रसन्न हो गए, मुद हो गए, मुद माने प्रसन्न, और मंगलकारी, शुभ हैं, इनका नाम लिया जाता है, बड़े गर्व के साथ भगवान के भक्त कहे जाते हैं। अब देखिए कितना घुमा रहे हैं गोस्वामी जी, बताने के लिए कि सीधा सीधा यहां तक बोले, नाते नेह राम के मनियत, कितनी बड़ी बात, नाते रे, अरे राम के नाते, राम के नेत के लिए मानने के कारण ये लोग पता है क्या हो गए, अरे सुहृद सुसेव्य जहां लो, ये सब बड़े सुंदर हृदय वाले कहलाए, बड़े पवित्र लोग कहलाए, सुसेव्य प्रसिद्ध हो गए, हर जगह इनका सम्मान हुआ, सुहृद सुसेव्य जहां लो, जहां भी देखिए इन्हें कोई बुरा नहीं कहता है, और अपनी बड़ी सुंदर बात कहते हुए कहते हैं, अरे नाम तो नहीं लेते मीरा का, कहते हैं अंजन कहा आंख जी फूटे, अंजन काजल कहते हैं, पुराने जमाने में आई ड्रॉप्स नहीं हुआ करते, आज तो डॉक्टर ने काजल लगाने को मना कर दिया, कोई डॉक्टर कहते ही नहीं काजल लगाइए, हम लोग छोटे थे बड़े काजल लगाया जाता था, वो स्वामी जी के जमाने की बात, कहते अंजन कहा, अरे वो अंजन किस काम का, वो काजल किस काम का, जो आंखों की रोशनी में वृद्धि करने के बजाय, नेत्र ज्योति प्रदान करने के बजाय नेत्र विहीन कर दे। कहते अंजन कहा अरे आंख जे ही फूटे, जिससे आंख फूट जाती है, ऐसा अंजन किस काम का, अंगन जा आंख जे फूटे, अरे बहुत तक कहो कहाँ लो, बहुत तक कहो, बहुत कहाँ तक कहो, कहो कहाँ तक कहूँ कितना बताऊँ, मतलब ये कि मैं खुल के नहीं कहूँगा कि जो अपने ससुराल वालों को छोड़ दो, मगर अंजन कहा आंख जे फूटे, जो राम का भक्त नहीं है, अरे उसका साथ करोगे तो नेत्र नष्ट होने का मतलब है कि आपकी दृष्टि बदल जाएगी, आपको ईश्वर अच्छा ही नहीं लगेगा, संसार में डूब जाओगे, बहुत तक कहाँ कहाँ लो, तुलसी सो सब भांति, तुलसीदास जी कहते हैं सो वो सब भांति, मैं तो एक बात कहता हूँ, परम हित, जो परम हित ऐसी है, प्रत्येक प्रकार से श्रेष्ठ है, पूज्य प्राण ते प्यारो, जो प्राण से प्यारा भी हो, तो बस एक बात ध्यान रखना कि जासो हो ए स्नेह, जिससे स्नेह हो, जिस उसी से स्नेह करना, उसको अपनाना,
राम पद, जो राम के पदों में प्रेम करता हो, जो राम के पद को अपनाता हो, जो राम के चरणों में अपनाता हो, जो राम का परम भक्त हो, ऐसे भक्त को छोड़ करके बिल्कुल मत जाइए, और जो राम का भक्त नहीं है उसका परित्याग कर दीजिए। कही चुके अंजन, जहां आंख पर फूटे तो जासो होए सने, जिससे भी स्नेह करो बस राम का पद, राम के चरणों में उसका ध्यान होना चाहिए, राम का भक्त होना चाहिए, राम के भक्त में तल्लीन होना चाहिए। ए तो मतो हमारो, बड़ी सुंदर बात कह दी। आपत्ति लग जाती, कभी कोई लोग कह देते हैं, बोले इस पार्टी का कथन नहीं है, कहते ए तो मतो हमारो, ए तो ऐसा, मतो माने मत, हमारा ऐसा मत है, हमारा ऐसा विश्वास है। और फिर ये तो भाई अप्रत्यक्ष रूप से बात, ये तुम जैसा समझो जो तुम्हें अन्य लोग बतावें, मगर ए तो मतो हमारो, हमारा ऐसा मत है। साथियों, अरे इस पद को पाकर मीरा दीवानी हो गई, और मीरा ने तो घोषणा कर दी उसी दिन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कृष्ण की भक्त होने के बाद पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और चूंकि कृष्ण की भक्त थी, तब कृष्ण का वो पद जो मीरा ने लिखा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, बस सब छोड़े, छाणी दई कुल की कहानी, उसी दिन कहती है पद को पाकर, छाणी दई कुल की कहानी, कहा करी है कोई, अब मेरा कोई क्या करेगा, संतन डिग बैठी बैठ। तो कहने का आशय ये वो पद है जिसने मीरा का जीवन बदल दिया था, आपका जीवन बदल देगा, हमारा जीवन अपने जीवन में लक्ष्य बना लें, जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। राम के चरणों में प्रेम, भगवान राम के नाम का जप, राम का कल्याण करने वाला मंत्र, राम ही सब कुछ है। एक बार आज की इस कक्षा में मैं बता दिए तमाम सारे उदाहरण और दृष्टांत अलंकार के माध्यम से, अनुप्रास की बढ़िया छता है, अच्छे शब्दों का प्रयोग है, और भक्ति का अपूर्व चित्रण किया है गोस्वामी जी ने। कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा के दोनों के कवित्री, कवि और कवित्री के मिलन की एक बढ़िया पत्राचार है, एक वाक्याख्या है, और सुंदर सा पद है। भाषा ब्रज मैंने बता दी थी पद शैली के माध्यम से, और इसी के साथ माधुर्य गुण और भक्ति रस दोनों ही ले सकते हैं आप। माधुर्य गुण और भक्ति रस के साथ साथ मैं आज की अपनी इस क्लास को विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।